हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे डिटर्मिनर्स की। सर, डिटर्मिनर्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेसिफिकली वो स्कूल गोइंग किड्स। तो यहाँ डिटर्मिनर्स का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। तो डिटर्मिनर्स किसको कहते हैं आप बोलते हो? सर, ये इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर में एक बड़ा रोल प्ले करता है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड डिटर्मिनर्स। कोई भी चीज़ जो किसी स्टेटमेंट या सेंटेंस के बिगिनिंग में आती है, स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ को क्लियर करी, तो उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनर। अभी डिटर्मिनर को थोड़ा अच्छे समझेंगे। अगर मैंने बोला अ बुक इज लाइंग ऑन द फ्लोर, सर ये जो ए है यहाँ स्टैंड करता है डिटर्मिनर। सर नो, दिस इज नोन एज टू बी आर्टिकल। ए तो आर्टिकल था, ओके चलो आई एग्री, बट इसको हम डिटर्मिनर भी कहते हैं। चलो सर नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये दूसरे फेज में आ जाएगा। आप बोलते हो मैंने कुछ रीड किया, दैट बिलोंग्स टू द डेमोस्ट्रेटिव। सर डेमोस्ट्रेटिव जैसे कि दैट बुक, यस दैट बुक, और दैट दोज आर द स्टूडेंट्स। से दोज जो है ना, ये भी डिटर्मिनर है। आप इसको थोड़ा और क्लियर करें तो आप बोलते हो डिटर्मिनर को सर क्लियर करना हो तो हमें डिटर्मिनर्स के चार पार्ट्स करने होंगे। ये चार पार्ट्स कौन से होंगे बच्चा? द फर्स्ट आर्टिकल, द फर्स्ट वन इज आर्टिकल। अब ये आर्टिकल क्या है इसको समझेंगे, वी नीड टू अंडरस्टैंड। सेकंड सर, डिटर्मिनर के पास जो सेकंड पार्ट आता था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, कि आर्टिकल तो सिर्फ बिगिनिंग थी। द सेकंड वन इज डेमोस्ट्रेटिव। What is demonstrative? How it is going to use? And why we guys need to clear demonstrative? Sir, ठीक है, next phase पे आते हैं जो सबसे important होने वाला है हमारे पास, that is possessive. Possessive. So we have article, demonstrative and possessive. And now come to the final part, that is quantifiers. क्वेंटिफायर्स ये क्या होता है इसको क्लियर करते हैं। ये चारों अगर आपको क्लियर हैं तो आपको पूरे के पूरे डिटर्मिनर्स ऑन टिप होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, भागते नहीं। हम बोलते हैं आर्टिकल्स, वी टॉक अबाउट आर्टिकल्स, यस वी टॉक अबाउट आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल हैं क्या, इनको कैसे क्लियर करेंगे और कौन से पॉइंट्स हमें ऑन टिप होंगे फॉर द आर्टिकल। आर्टिकल आर पॉपुलरली नोन एज ए, एन एंड द। आप कहते हो ए, एन और द, इसको हम बोलते हैं आर्टिकल। सो ये ए और एन जो है ना, इनको हम इनडेफिनेट, इनडेफिनेट बोलते हैं। आपने कहा सर इनडेफिनेट। ए एन द को हम बोलते हैं इनडेफिनेट, क्योंकि किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज नहीं हो रहे। बट वेयर एज वी टॉक अबाउट द, तो दिस द इज नोन एज डेफिनेट। ये आप बोलते हो सर ये डेफिनेट है पूरी तरह से, क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक चीज को बता रहा है, किसी एक स्पेसिफिक चीज को बता रहा है। व्हेन इट टेल्स यू अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग, द टीचर, द गंगा रिवर, अ थिंग दैट इज अ मेजर टर्म एंड वन इज कनेक्टेड विद मैनी, जो एक काफी लोगों के साथ जुड़ी हुई है, काफी चीजों से जुड़ी हुई है, आप बोलते हो दैट इज डेफिनेट। तो उस डेफिनेट को हम क्या बोलते हैं, द, और द का यूज किया जाता है डिटर्मिनर्स में। तो ये ए एंड द, ये आर्टिकल बोलूं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर्स। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ए एन दोनों ही इनडेफिनेट है, वेयर इज द हम डेफिनेट बोलते हैं। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं सर ए और एन का भी यूज बता दो, तो नो इश्यूज, उसको क्लियर कर लेते हैं। एन सिर्फ आपने याद रखना है, दैट स्टार्ट विद द वोवल ए आई ओ यू ई, उसके बाद कोई इशू नहीं है, क्योंकि फिलहाल आप आर्टिकल्स की नहीं, आप डिटर्मिनर्स की बात करो। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हाँ, जिस बच्चों को क्लियर ना हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, सर ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, सो दैट आई बी एबल टू हेल्प यू आउट। जम्प टू द नेक्स्ट सेशन, दैट इज सर मेरे पास आता है आर्टिकल बाद डेमोस्ट्रेटिव। व्हाट डज मीन बाय डेमोस्ट्रेटिव? अब काफ़ी सारी चीज़ दिमाग में आती है जब डेमोस्ट्रेटिव की बात करते हैं। सर कोई भी चीज़ जब किसी को पॉइंट आउट करो दे, डेमोस्ट्रेटिव आप बोलते हो सर दिस, दैट, दीज और दोस, इसको क्लियर करते हैं। दिस इज नोन एज टू बी, दिस, दैट, दोस, इनको क्लियर करो। दिस, दैट एंड दोस आर द एग्जाम्पल ऑफ डेमोस्ट्रेटिव। सर डेमोस्ट्रेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हमें समझ में आया क्या है, उसके पॉइंट क्या होंगे, कैसे क्लियर करना और कौन कौन सी चीज़ें हमें ऑन टिप पहुंची। सो दिस, दैट एंड दोस, अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ये स्पेसिफिकली किसी चीज़ को डिफाइन कर रही है, स्पेसिफिकली किसी चीज़ को डिफाइन कर रही है, आप बोलते हो डेमोस्ट्रेटिव, उसको पॉइंट आउट करना। यस आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बुक,
द रेड वन, यस द रेड वन, आपने कहा सचिन इज हैविंग दैट रेड बुक, सचिन हैविंग दैट रेड बुक. अब सचिन के पास वो रेड बुक है, तो यहाँ पे पॉइंट पूरा क्लियर हो गया. आपने कहा सचिन के पास वो रेड बुक है, उसको क्लियर किया गया, उसके पॉइंट को बताया गया. एंड वी गाइज नीड टू अंडरस्टैंड उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे चीज़ें क्लियर हो रही हैं. देन वी कम टू द नेक्स्ट फेज. आप बोलते हो सर दिस दैट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर सर, आर्टिकल डेमोस्ट्रेटिव एंड देन वी कम टू पोसेसिव्स. वॉट इज पोसेसिव डिटर्मिनर्स, ये पोसेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, इनको कैसे क्लियर करेंगे. कोई भी चीज़ जो आपको बिलोंग करती है, कोई भी चीज़ जो किसी की है, पोसेसिव, हिज हर माइन योर्स आर्स, दिस कार इज माइन, मैंने बोला दिस कार इज माइन. तो स्पेसिफिकली आप बोलते हो सर किसी की बिलोंगिंग्स, किसी की बिलोंगिंग्स को जो चीज़ रेफर कर रही है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पोसेसिव डिटर्मिनर. तो आपने बोला हमारे पास आता है पोसेसिव में दिस कार इज माइन. तो जो माइन है यहाँ पे ये कौन सा है, ये पोसेसिव डिटर्मिनर है. सो दिस तो डेमोंस्ट्रेटिव हो गया, लेकिन आपने क्लियर करना था, आपसे जो पूछा गया आप उस हिसाब से बताओगे. यू डू टेल अबाउट द बेसिक नॉर्म दैट वॉज बीन मैंशन टू यू. तो आपने पोसेसिव की बात की जो किसी ऑनरशिप को शो करता है, समथिंग दैट शोज द ऑनरशिप, जो किसी चीज़ की ऑनरशिप को डिफाइन कर रहा हो आप बोलते हो वो पोसेसिव डिटर्मिनर्स होता है. तो फर्स्ट ऑफ हमने कहा, हमने बात की आर्टिकल की, विल जंप टू द नेक्स्ट वन दैट इज डेमोंस्ट्रेटिव एंड देन पोसेसिव. नाउ टाइम टू कम टू द क्वांटिफायर्स. व्हाट डज मीन बाय क्वांटिफायर सर, जो भी किसी चीज़ की क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, जो भी किसी चीज़ की क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है उसको हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स. लुक एट एग्जाम्पल, हाउ मच, लेस, फ्यू, अ लिटल, आपने कहा दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिफायर. जब इसको यूज किया था, कहता है डिस्ट्रीब्यूट अ लिटल थिंग्स बिटवीन द पुअर किड्स, ही डिस्ट्रीब्यूट द लिटल थिंग्स बिटवीन द पुअर किड्स. तो आपने अ लिटल थिंग्स डिफाइन किया गया. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ज्वाइन ए बी सी इंस्टीट्यूट, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ज्वाइन ए बी सी इंस्टीट्यूट, दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स. I hope concept has been clear. Bye guys.